वेल गाइज, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एंड्रॉयड 13 को लेकर। अभी आप सभी को पता है एंड्रॉयड 13 गूगल की तरफ से रिलीज हो चुका है और लगभग सभी डेवलपर इसके ऊपर काम करना चालू कर दिए हैं। और यहीं पर मैं बात करने वाला हूँ ब्लेज प्रोजेक्ट के बारे में, जिसे मैंने कुछ ही दिन के अंदर कवर किया था। इसके मैंने 2 अपडेट को कवर किया। अभी आप लोग सोचोगे इसका नेक्स्ट अपडेट कौन सा आएगा, तो ब्लेज यहाँ पर 2.0 की तैयारी कर रहा है और इसी के अंदर आपको एंड्रॉयड 13 देखने को मिलेगा। अभी यार आप लोग 1.4 के बाद सीधा ही 2.0, तो भाई साहब यहाँ पर एंड्रॉइड वर्जन भी नया है, तो यहाँ पर रोम का नाम भी चेंज किया गया है। और 2.0 के अंदर आपको काफी अच्छा खासा फीचर देखने को मिलेंगे। और जैसे कि आपके मन में सवाल था कि एंड्रॉइड 13 कैसा होगा, इसके अंदर ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेगी, फिलहाल ये डेवलपर्स के हाथ में है ये कितना करेंगे कितना नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ब्लेज प्रोजेक्ट ने एंड्रॉइड 13 को बूटअप करवा लिया है। अभी यार आप लोग ये सोचोगे यार बूटअप करवाने से क्या होगा, हमें चाहिए इसका कस्टम रोम। तो भाई मेरे, कस्टम रोम तो आपको मिलेगा, लेकिन डेवलपर की तरफ से यार बूटअप करवाना सबसे जरूरी है। अभी गूगल ने तो आपको सोर्स कोड प्रोवाइड कर दिया है ना, अभी डेवलपर यहाँ पर काम करेंगे आपके डिवाइस के लिए, इसे बूटअप करवाएंगे। जब आपके डिवाइस में अच्छे से बूटअप ले लेगा, उसके बाद इसके अंदर फीचर्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि आप लोग इसे यूज कर पाओ। तो फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ब्लेज की तरफ से टेस्टिंग शुरू हो चुकी है और इसे जल्दी ही कंप्लीट किया जाएगा। हालांकि कुछ ऐसी कस्टम रोम्स हैं जिन्होंने मार्केट के अंदर काफी डिवाइसेस के लिए एंड्रॉइड 13 को लॉन्च कर दिया है और ये काफी अच्छी बात है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ रेडमी 7 की। और रेडमी 7 के अंदर ना ब्लेज प्रोजेक्ट ने काम चालू कर दिया है और आप लोग इसका एक फर्स्ट लुक देख सकते हो। फिलहाल मैं इस अपडेट को रिलीज नहीं करने वाला हूँ, बिल्कुल भी नहीं, बस आपको दिखा रहा हूँ कि ब्लेज ने यहाँ पर काम चालू कर दिया है। अभी यार यहाँ पर आपको ज्यादा चेंजेस देखने को तो नहीं मिलेंगी फिलहाल, लेकिन आपके डिवाइस के अंदर इसे बूटअप करवा दिया गया है और यहाँ पर जितने भी नॉर्मल फीचर्स जो आपको देखने को मिले हैं एंड्रॉइड 13 की तरफ से, वही आपको देखने को मिलेंगे। लाइक बात करें स्क्रीन सेवर की, तो स्क्रीन सेवर के अंदर आप जो सेटिंग देख रहे हो यहाँ पर इसे चेंज किया गया है। आप लोग इसे और भी कस्टमाइज कर सकते हो जब इसका एक नया अपडेट आएगा। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, इस वाले अपडेट के अंदर अभी काफी सारे बग्स हैं जिन्हें जल्दी ही फिक्स किया जाएगा ताकि आप लोग इसे यूज कर पाओ। बग ऐसा है कि आप लोग इसके अंदर काफी एप्लीकेशन को यूज नहीं कर पाओगे, लाइक आप लोग इसके अंदर एंड्रॉइड 12 के जो GApps होते हैं उसे ही इंस्टॉल करोगे मगर वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये काफी बड़ी बात है और आपके डिवाइस में ये इंस्टॉल भी नहीं होगा, तो GApps का सबसे बड़ा पंगा है। तो शायद आने वाले समय में जितने भी इसके अपडेट आएंगे वो आपको GApps बिल्ड ही देखने को मिले, तो आई होप कि आपके डिवाइस में वो अच्छे से काम करेगा। नाउ उसके अलावा मैं बात करूं इसके डिवाइस के कैमरे के बारे में, तो कैमरा आपके डिवाइस के अंदर वर्किंग नहीं है फिलहाल के टाइम, लेकिन इसके ऊपर काम चालू हो चुका है, जल्दी ही आपके डिवाइस के अंदर कैमरा वर्किंग हो जाएगा। वैसे अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इसके अंदर सारे फीचर्स ही एंड्रॉइड 12 वाले हैं, तो भाई साहब वही हैं, सेम टू सेम, बस यार यहाँ पर ना एंड्रॉइड 13 आ चुका है, नाम चेंज हुआ है, बाकी फीचर आपको सेम ही देखने को मिलने वाले हैं। अभी यार सारा काम जाता है डेवलपर की तरफ से कि डेवलपर इसके ऊपर कैसे काम करेंगे, कितने फीचर्स को इम्प्लीमेंट करेंगे आपके लिए। और हाँ गाइस, अभी ये टेस्टिंग पर्पस के लिए है और अगर आप कोई भी फीचर ऐड करवाना चाहते हो तो आप सिंपली हमें कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपके जितने भी कमेंट्स हैं वो ब्लेज के डेवलपर्स को बता सकूं और शायद वो आपके लिए कोई कस्टम रोम के अंदर चेंजेस कर पाए। उसके अलावा जब आप लोग अपने डिवाइस के अबाउट में जाओगे तो आप लोग यहाँ पर देखोगे आपके जो डिवाइस का जो एंड्रॉइड 13 है वो आपको दिख जाएगा। अभी आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 13 का सिक्योरिटी पैच वगैरह सब कुछ देखेगा। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि एंड्रॉइड 13 है जो ये काफी स्टेबल है और ये काफी फास्ट भी है, तो अगर आप लोग एंड्रॉइड 12.1 या फिर 12 के जितने भी सीरीज आए हैं उन्हें चला चला कर थक चुके हो ना, तो आपको 13 में काफी मजा आएगा, बिकॉज यार इसके अंदर परफॉर्मेंस काफी इंक्रीज की गई है। मैंने खुद पर्सनली इसे यूज किया है काफी दिनों तक। फिलहाल आप लोग इस कस्टम रोम को यूज कर सकते हो, बट मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड नहीं कर सकता क्योंकि ये एक टेस्टिंग पर्पस है और मैं नहीं चाहता भी किसी भी चीजों को लीक करना। हालांकि वीडियो में मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ और ये लीक नहीं है, उन्होंने खुद ही कहा था कि इसके ऊपर आप वीडियो बना सकते हो। बाकी यार और भी जितने भी कस्टम रोम के अंदर अपडेट्स आएंगे वो तो आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो का मोटिव यही है कि आपको बताया जा सके कि अगर आप लोग ब्लेज के काफी बड़े फैन हो तो आपके डिवाइस के लिए यहाँ पर एंड्रॉइड 13 के ऊपर काम चालू हो चुका है। आई होप कि 1 या 2 हफ्ते के अंदर आपको इसका अपडेट मिल सके। तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।